जब कानून का डंडा चलता है तो अच्छे अच्छों की हेकड़ी निकल जाती है, फिर वो चाहे नेता हो, अभिनेता हो या फिर कोई आम नागरिक। जब कानून का डंडा चलता है तो सभी का हिसाब एक तराजू में तोल कर किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि कानून की नजर से सभी बराबर हैं और न्याय में देरी हो सकती है लेकिन मिलता जरूर है। एल्विश यादव एक ऐसा ही नाम है जिसने खुद को कानून के ऊपर समझा, लोगों के प्यार का गलत इस्तेमाल किया, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके नशे का सौदागर बन गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अपराधी की गर्दन तक एक ना एक दिन पहुंच ही जाते हैं। एल्विश यादव आज जेल की सलाखों के पीछे है और ये सोच रहा होगा कि काश उसने ये सब ना किया होता तो आज उसे जेल में चक्की पीसने की नौबत ना आती। तो चलिए उस नशे के सौदागर और लोगों के भरोसे का कत्ल करने और अब एक क्रिमिनल की पूरी कहानी आपको बताते हैं जिसे सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए आज आपको इसी मामले के बारे में विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। एल्विश का सिस्टम हुआ हैंग, चला कानून का जोरदार डंडा। आखिरकार 135 दिनों के बाद बिग बॉस विजेता एल्विश यादव का सिस्टम हैंग हो गया। तमाम जुगत व वकीलों की फौज रखने के बाद भी नोएडा पुलिस ने रविवार को एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया। एल्विश के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम के अलावा NDPS एक्ट की धाराएं बढ़ाई गई हैं। 3 नवंबर 2023 को पीपल फॉर एनिमल संस्था ने राहुल टीटू, जयकरण नारायण, रविनाथ एल्विश व अन्य के खिलाफ कोतवाली सेक्टर 49 में मुकदमा दर्ज करवाया था। इसमें आरोप था कि रेव पार्टी में सांप के जहर का इस्तेमाल किया जाता है और एल्विश इसमें शामिल है। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने सपेरों के पास से सांपों का जहर बरामद किया था। इसे विधि विज्ञान प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया था। जांच में सांपों के जहर की पुष्टि हुई थी। इसके बाद से नोएडा पुलिस ने एल्विश पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। वहीं बता दें कि 135 दिनों के बाद आचार संहिता लगते ही पुलिस ने एल्विश को दबोच लिया। एल्विश का नाम सांपों के जहर की सप्लाई में आने के बाद मामला हाई प्रोफाइल बन गया था और मामला सुर्खियों में था। पुलिस ने नवंबर में उसे नोटिस भेजा। इसके बाद आधी रात को एल्विश कोतवाली सेक्टर 20 पहुंच गया था। यहां उससे पुलिस ने पूछताछ की, फिर एल्विश से दोबारा पूछताछ नहीं हुई थी। हालांकि पुलिस इस मामले में साक्षियों को एकत्रित करने का काम कर रही थी। वहीं जांच के दौरान पुलिस को उस समय झटका लगा जब 9 सांपों के साथ गिरफ्तार 5 सपेरों को कोर्ट से जमानत मिल गई थी। इस बीच एल्विश यादव सुर्खियों में लगातार बने हुए थे, कई बार पुलिस को चुनौती भी दी थी। आचार संहिता के बाद पुलिस ने दिखाई ताकत। इस हाई प्रोफाइल मामले में एल्विश की गिरफ्तारी नहीं होने पर नोएडा पुलिस सवालों के घेरे में रही, लेकिन आम चुनाव की घोषणा के बाद पुलिस ने ताकत दिखाई और एल्विश को दबोच लिया। दरअसल एल्विश के हरियाणा व दिल्ली के कई बड़े राजनेताओं से अच्छे संबंध हैं, इस कारण पुलिस भी जांच को धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थी। अब आचार संहिता लगते ही पुलिस ने सक्रिय होकर उसे गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद गुरुग्राम पुलिस से आगे निकली नोएडा पुलिस। नोएडा में मुकदमा दर्ज करने के बाद जयपुर में थप्पड़ मारने और गुरुग्राम में यूट्यूबर सागर ठाकुर के साथ मारपीट करने से एल्विश यादव विवादों में रहे। सागर के साथ मारपीट के मामले में गुरुग्राम में मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं एक मामले में गाजियाबाद में भी एल्विश पर FIR दर्ज की गई थी। हालांकि नोएडा पुलिस इसमें बाजी मार गई और एल्विश को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि एल्विश प्रकरण में सभी साक्षियों को संकलित करने का काम पूरा करने के बाद अब कार्रवाई की गई है। वहीं इस मामले में सभी पहलुओं पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। हालांकि इस केस में एल्विश ने पुलिस को खुली चुनौती दी थी, चलिए उसके बारे में भी आपको बताते हैं। सोशल मीडिया पर एल्विश ने दी थी पुलिस को खुली चुनौती।
दरअसल रेव पार्टी में सांपों के जहर की सप्लाई करने के मामले में आरोपी एल्विश यादव ने फोरेंसिक रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पुलिस को खुली चुनौती दी थी। उसने वीडियो जारी करते हुए कहा था कि साबित करो कि मैं रेव पार्टी में था। इसके बाद पुलिस की जांच में तेजी आई थी। पुलिस के अनुसार एल्विश ने यूट्यूब पर फरवरी में 13:34 का वीडियो जारी किया था। इसमें 8-10 लोग एक साथ कमरे में बैठे हुए थे। एल्विश रेव पार्टी में सांपों के जहर सप्लाई करने के मामले में बोल रहा था। उसने फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि सांपों के जहर को लैब में टेस्ट कराओगे तो जहर ही आएगा। मैं नोएडा की रेव पार्टी में नहीं था, मैं मुंबई में था। हो सकता है कि मुंबई में कोई नोएडा हो। इसके बाद पुलिस को चुनौती देते हुए कहा था कि सपेरों को रोड से पकड़ लिया। हालांकि अगले दिन ही एल्विश यादव ने यू टर्न लेते हुए यूपी पुलिस को अच्छा बताया था। उसने कहा था कि पुलिस ने मुझे सहयोग करने के लिए बुलाया था और मैं गया भी था। कई सांप और सांप का जहर भी मिला था। इस छापामार कार्रवाई के दौरान पकड़े गए लोगों के पास से 5 कोबरा सांप, 1 घोड़ा पछाड़, 1 अजगर, 2 दो मुहा सांप तथा सांप का जहर भी बरामद हुआ था। उस वक्त जो FIR दर्ज की गई थी उसमें इन सांपों की खरीद फरोख्त को प्रतिबंधित बताया गया था। जो लोग पकड़े गए थे उन्हीं से पूछताछ के आधार पर ही इस मामले में एल्विश यादव का नाम सामने आया था और पुलिस ने एल्विश के साथ मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी थी। NDPS की धाराएं बढ़ी, 20 साल तक सजा का प्रावधान। बता दें कि सांपों के जहर सप्लाई करने और विष कारोबार करने के आरोप में एल्विश के खिलाफ कोतवाली सेक्टर 20 पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत कई धाराएं बढ़ाई हैं। इनमें NDPS 8, 20, 27, 27 से 29, 30 और 32 धाराएं शामिल हैं। इसके तहत अगर एल्विश दोषी पाया जाता है तो 20 साल तक की सजा हो सकती है, उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। NDPS की धाराएं एल्विश को सबसे ज्यादा परेशान कर सकती है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी आरोपियों पर यही धारा लगाई गई थी। हिरासत में भी चेहरे पर शिकन नहीं। स्नेक पॉइजन स्मगलिंग मामले में पुलिस ने जब रविवार को एल्विश को गिरफ्तार किया तब भी उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। गिरफ्तारी के बाद कोतवाली सेक्टर 20 पुलिस के साथ सूरजपुर कोर्ट पहुंचा। यहां भी पूरे टशन में दिखा। रास्ते में पुलिस से बातचीत करता रहा लेकिन टशन बरकरार था। जब वो कोर्ट रूम में गया तो भी किसी तरह से परेशान नहीं दिखा। दरअसल एल्विश को गिरफ्तार करने की तैयारी 1 सप्ताह से चल रही थी। पुलिस ने रविवार को उसे पूछताछ के लिए नोएडा बुलाया था। इसे पूरी तरह से गोपनीय रखा गया था। जब रविवार सुबह वो लाव लश्कर के साथ नोएडा पहुंचा तो उसे सेक्टर 73 के एक फार्म हाउस पर ले जाकर पूछताछ की गई। इसके बाद उसे कोर्ट ले जाया गया। तो कानून को चुनौती देने वाले एल्विश यादव को कानून ने अपने शिकंजे में ऐसा कसा है कि अब उससे निकल पाना नशे के सौदागर के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब एल्विश यादव का आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर एल्विश यादव का अब बचना इतना मुश्किल है कि अब एल्विश को उसकी नानी याद आने वाली है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश और आप अपनी राय हमें कमेंट कर बताना ना भूलें। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूँ। मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूँ। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूँ। ना कोई दौड़ ना कोई रेस। कैपिटल टी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।